तो ये पूरी जिंदगी लग जाएगी ना, तब भी ये मनुवादी मानने वाले नहीं है। ये मनुवादी मान सकते हैं तो सिर्फ वो कहते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते, वही काम होगा। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं है, लेकिन हम संविधान को मानते हैं, इसलिए हम भी संविधान को मानते हुए इंतजार कर रहे हैं। भाई आज का दिन तुम्हारा है और कल का दिन हमारा होगा। क्या धमकी दे रहे हो क्या सर? अब अगर सुनो, अगर ना इसको कोई धमकी मान ले तो मान ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो समझा रहे हैं। किस तरह की धमकी माने इसको? कैसे भी मान ले, वो तो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना कि धमकी वो मानते हैं क्या मानते हैं, हम तो सिर्फ समझा रहे हैं अपनी तरफ से। एक तरफ आप चैलेंज भी करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम संविधान को भी मानते हैं, तो ये दो चीजें कैसे? संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी है जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझनी पड़ेगी। आप लोग आ जाते हैं या प्रशासन उथल पुथल हो जाता है? प्रशासन बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है, और जिंदा लोग हैं आप जैसे भाई हैं, हम अपने बारे में नहीं कहते, जो मिशन को चला रहे हैं। जब यहाँ एक मित्र से मेला भरा हुआ है, समाज है पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जब छोटी सी हुंकार भरी है, देखो हालात सबको देख लो, दिल्ली नीली हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी नीली हो गई। और अगर ये लोग पूरी अगर हुंकार भर देंगे, ये लोग पूरे तरीके से सड़कों पे आ जाएंगे, बीजेपी का जीना मुश्किल हो जाएगा। आवाज़ आती है भीमसेना का अध्यक्ष आता है, दिल्ली पुलिस उथल पुथल हो जाती है, कहीं इधर से फोर्स बुलाती है, कभी उधर से फोर्स बुलाती है, क्या है आपके अंदर? तोप लेके चलते हो, गोले लेके चलते हो, बारूद है, क्या है? हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लेके चलते हैं, और हमारे सीने में दर्द है। जो दलित समाज को मारा जाता है, काटा जाता है, वो दर्द है, हम वो दर्द लेके चलते हैं बस। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज तक कितनी फोर्स नहीं लगी जो आज है यहाँ लगी हुई? ये इलीगल है फोर्स लगाना, हम फोर्स से कम नहीं है। जिस दिन हम फोर्स वाली पे आएंगे तो दिल्ली पुलिस हो या फिर इनकी और अदर फोर्स हो, डरी रह जाएंगे। हम मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई न्याय दो, आप लोग हमारी बात सुनो, और अगर इन्होंने बात नहीं सुनी, न्याय नहीं दिया, तो फिर हमें फोर्स की बात पे भी आना पड़ेगा। देखिए कोर्ट में भी इनके लोग बैठे हुए हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे सम्मान को आँच करता रहेगा, ठेस पहुँचाता रहेगा और हम चुपचाप देखते रहे। अरे 500 साल पुराना जब मंदिर मिल गया कोर्ट के रास्ते से, तो आपको भी मिल जाएगा, कोर्ट पे विश्वास रखिए ना। आरएसएस ने 100 साल संघर्ष किया है, जब उनको वो मंदिर मिला है, हमारा रास्ता मंदिर का नहीं है। आप कहते हैं कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें कोर्ट खुद बनाना है अपना, हमें अदालत खुद बनना है, हमें अपनी सरकार खुद बनना है, हमें खुद अपनी तैयारी करनी है, खुद सत्ता में बैठना है। लोकतंत्र की व्यवस्था में आपको विश्वास नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमें अपनाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कब्जा करना है। बात को समझो, हमें लोकतांत्रिक चुनाव पे कब्जा करना है, जबरदस्ती करोगे, हमला करके। देखो चुनाव पे कैसे करें, चुनाव से ईवीएम मशीनें है ना, कैसे करें? चोर तो चोरी कर रहा है, हम तमाशा देख रहे हैं, भाई नहीं चलेगा ये तो बिल्कुल। आप भी मानते हैं ईवीएम में चोरी होती है? मानते क्या, हम बिल्कुल मानते हैं, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप एक बात बताओ, आपका मोबाइल हैक हो सकता है ना? हो सकता है, आपकी फेसबुक आईडी हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो, हैक हो सकता है आपका। ऐसे ईवीएम भी हैक हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी सब कुछ हैक करके चुनाव जीत जाएंगे, उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि वो चुनाव जीत चुके हैं, वो तैयार हैं। अच्छा सतपाल जी, बताइए, देश में बड़ा खुशहाली का माहौल दिखाया जा रहा है, हर तरफ झंडे, दिवाली का माहौल है, कह रहे राम राज्य आने वाला है, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण की बात तो प्रधानमंत्री करते ही करते हैं। अब ऐसे में किसी बेटी को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या प्रधानमंत्री तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, या फिर आप लोग उनकी भावनाएं नहीं समझ रहे प्रधानमंत्री की, कि वो किस तरह से राम राज्य लाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक हमारी आवाज़ पहुंचती है, लेकिन उनके दिमाग में वही व्यवस्था भरी है जो कि सदियों पुरानी व्यवस्था है, जिसे हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। और ये मनुवादी व्यवस्था जो उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में भरी हुई है, ये तभी निकलेगी जब हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ में अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाएंगे। निकालना क्यों चाहते हैं? वो तो लाना चाहते हैं उस व्यवस्था को, वो चाहते हैं कि भाई जैसे पहले राम राज्य हुआ करता था, सब खुशहाल, वैसे ही अब होंगे। राम राज्य में कोई खुशहाल नहीं था, मैं किसी धर्म का या भगवान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन
राम राज्य में कोई खुशहाल नहीं था, और यहाँ राम राज्य आ रहा है ना, देखो आप कैसा आ रहा है कि बच्चियाँ रो रही हैं, रेप हो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, जगह जगह क्राइम हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बीजेपी किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, खुद तो ये भ्रष्टाचार करते हैं औरों पर ईडी के छापेमारी करवाते हैं। आप उस संस्कृति को नहीं मानते जिस संस्कृति पर इन्हें गर्व है, वो चाहते हैं कि हमारे सदियों साल पुरानी संस्कृति दोबारा जिंदा हो रही है? देखो जो संस्कृति ये लोग जिंदा कर रहे हैं या जो संस्कृति करते की आप बात कर रहे हैं, वो संस्कृति हमारे खिलाफ है। हमारी संस्कृति तथागत गौतम बुद्ध की और महात्मा वो कहते हैं कि गुरु रविदास जी की, गुरु कबीरदास जी की संस्कृति है, तो हम इनकी संस्कृति को क्यों मानें? इनकी संस्कृति तो हमारे हमें दबाने का काम करती है। पर राम जी तो सबके हैं, इसमें किसी का कोई भेदभाव वो नहीं है। तो ये मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन बोलना पड़ेगा, राम जी सबके हो सकते हैं, हमारे नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? आप इतिहास उठा के देखो और इतिहास को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि शंबुक ऋषि के बारे में और बातें आपको पता चलेंगी सारी। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर 295 धारा आईपीसी बिल चलती है, तो इसलिए मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये मानते हैं कि राम जी कोई भेदभाव से प्रेरित हैं, तो वो जो है कभी भी संविधान के पन्नों पर उनकी मूर्तियाँ नहीं छपवाते। वो भी फिर बाबा साहब ने नहीं छपवाई है। आपको एक बात बता दूँ, बाबा साहब ने संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अधिकार दिया है, हर धर्म को भारत में रहने का, अपना प्रचार करने प्रसार करने का, शांति से रहने का अधिकार है हर धर्म को। ये नहीं कि तुम बच्चों की तरह, बंदरों की तरह उछड़ो और दलितों पर अत्याचार करो, महिला पर अत्याचार करो, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। इस देश में चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, नहीं तो वो मैंने शुरू में भी कहा है कि दांतों के भूत बातों से नहीं मानते, फिर हमें अपनी वाली पर आना पड़ेगा और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। क्या है आपकी वाली? जब करेंगे तब बताएंगे, आप भी नहीं बताएंगे। से नहीं चल रहा देश क्या? नहीं, अभी नहीं चल रहा ना, संविधान गलत हाथों में है, संविधान गलत हाथों में जा चुका है, बचाना है। संविधान से नहीं चलता तो आप ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे होते? वो तो इनकी मजबूरी है, आईपीसी बदल गई, सीआरपीसी बदल गई, इंडियन एविडेंस एक्ट बदल गया, सब कुछ तो बदल रहा है, संविधान के सेक्शंस बदल रहे हैं, सारे आर्टिकल्स बदल रहे हैं, सब कुछ तो बदल रहा है, तो आप खुद समझदार हैं। जाता है कि आप जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं उनमें भी पूछ जाते हैं, जहां आपका कोई काम नहीं होता वहां भी आप पूछ जाते हैं। हम हर व्यक्ति के साथ है जिसको सताया गया है, हम अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए हमें दर्द होता है। सीधा टकराव की बात करते हैं यार, टकराव की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर गर्मी निकल जाएगी लोगों के शरीर से तो फिर तो बर्फ जम जाएगी और फिर आपको मालूम है कि क्या हालात पैदा होंगे, लोग बाग फिर कप कपी में जो है ना वो कैसे जिएंगे बताओ। जी।